एफडीआई के विरोध में आज शहर का एपीएमसी मार्केट बंद रहा था। भारत सरकार ने 100% एफडीआई लागू किया है, जिसके विरोध में आज देश भर के व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान किया था। व्यापारियों का कहना है कि एफडीआई लागू होने से वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां सीधा भारत में व्यापार करेगी, जिससे देश भर के छोटे व्यापारियों की कमर टूट जाएगी, जिससे छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आज देश भर के व्यापारियों को समर्थन देते हुए शहर के हाथीखाना मार्केट के व्यापारियों ने भी दुकानें बंद रख कर बंद का समर्थन दिया था। आज फ्लिपकार्ट मध्यम थी वॉलमार्ट भारत में जो प्रवेश रही है, तेने लईने फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा भारत ना व्यापार बंधन ऐलान है, जेने कारण बड़ोगेन मर्चेंट एसोसिएशन आम टेको आप आखू बड़ोदरा समग्र अनाज बजार, रिटेल व्यापारी, सेमी होलसेल, होलसेल तमाम बंद में जोड़ाया है। अमारी अमे डेवलपमेंट विरोधी नहीं, विकास करो छो तो अमे विकास की साथ ज है, पण वॉलमार्ट आए तो 8 करोड़ लोग आ ट्रेडिंग रिटेल बिजनेस साथ जोड़ायेला है, तेमनी साथे तेमना परिवार साथे गणो तो 32 करोड़ लोग थाय। देशनी 25-30% जनता जे व्यवसाय में जोड़ायेली है, तेमना भविष्यनो विचार कर्या वगर ज एक एफडीआई ने वॉलमार्ट ने तमे मंजूरी आपो, जे करोड़ोना लॉसना बजेट लईने आवे अने करोड़ोना लॉसना बजेट थी पारंपरिक जे आपणो व्यवसाय है प्रलोभनो आपीने ए खोटी जाहेरातो करीने व्यापार ने पोताना तरफ करे અને આપણા 32 કરોડ લોકોનું ભવિષ્ય એક કાળા વાદળોમાં ઘેરાય એનો અમારો વિરોધ છે। ઉસી તરફ બડોદરા મરી માતા કે ગલી ઓર વ્રજ સિદ્ધિ ટાવર કે મોબાઈલ વેપારીઓને ભી એફડીઆઈ કે વિરોધ મે દુકાને બંધ રખી થી। आज ऑनलाइन प्रोडक्टों ने बधु वेचाई रही है, एम अमने भारी नुकसान जाइ रही है, जेमा वेपारी ने जे बेनिफिट थी जाए मड़ी नहीं रहा बराबर, एना लीधे आ संपूर्णपणे भारत में अने अमारा जे बड़ोदरा एसोसिएशन मोबाइल एसोसिएशन खाताना वेपारी टोटली संपूर्णपणे बंद राखेलू है, मरी माता खाँचा थी लईने राजमहल रोड सुधीनु, ने एमां जे अमारा परिवार ने जे बेनिफिट मळवा जोईए ए पण अमने कमावामां मळी नथी रह्या, ए बधाना लीधे अमे अत्यारे बंद राख्युं छे।